वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फॉर बिगनिंग फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 78, जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेंटेंस हुआ करता था उसकी शुरुआत या तो सब्जेक्ट से होती थी या फिर हेल्पिंग वर्ब से, या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी, WH वर्ड से होती थी। बट फ्रेंड्स, आज की बात मैं आपसे करूं तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा इसमें एक इम्परेटिव सेंटेंस आएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्या कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जहां पर हम सामने वाले को किसी काम को करने के लिए आज्ञा देते हैं यानी आदेश दे देते हैं, कभी किसी काम को करने के लिए निवेदन यानी आग्रह किया जाता है, कभी किसी काम को करने के लिए उसको सजेशन यानी सलाह दी जाती है, कभी उसको एडवाइस दी जाती है, तो कभी यहाँ पर कमांड किया जाता है। तो माइंड कीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस जो होंगी इसमें कभी ऑर्डर आएगा, कभी सजेशन होगा, कभी एडवाइस होगी, कभी रिक्वेस्ट होगी, कभी कमांड का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिएगा मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ। आज हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और उसके बाद क्या लिख के आएगा, ऑब्जेक्ट। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमें इस सेंटेंस के सेंस को पकड़कर आगे बढ़ना होगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड टू मी, और उसके बाद क्या कहा उसने, देखिएगा, हेल्प मी प्लीज। यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास सेंटेंस है सी सेड टू मी हेल्प मी प्लीज, यानी उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हेल्प, और ये क्या होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद यहां पर क्या लिखा गया, मी, और मी के बाद क्या लिखा गया, प्लीज। तो यहां पर हमारे सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो चुकी है, यानी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस में अगर प्लीज लिखा हुआ है, काइंडली लिखा हुआ है, तो 100% वहां पर क्या, रिक्वेस्ट की जा रही है। वो लड़की है मुझसे एक रिक्वेस्ट कर रही है, क्या रिक्वेस्ट कर रही है, कि मैं उसकी सहायता करूं। और इस सेंटेंस के आपको सेंस को समझना होगा कि आखिर इस सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर हो रहा है, कमांड हो रहा है, एडवाइस की बात की जा रही है, या फिर सजेशन की बात की जा रही है। क्योंकि इसके सेंटेंस के सेंस को पकड़कर इस सेट को हमें बदलना होगा। यानी कहने का मतलब ये था, ये जो सेट लिखा था मैंने, अगर यहाँ पर ये रिक्वेस्ट का काम किया जा रहा है यानी निवेदन हो रहा है, तो इस सेट को हमें रिक्वेस्टेड में बदल देना होगा, REQUESTED। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सजेशन दिया जा रहा है तो इसी सेट को हमें किसमें, सजेस्टेड में बदलना होगा, SUGGESTED। लेकिन अगर यहाँ पर किसी काम को करने के लिए आदेश दिया जा रहा है तो इस सेट को हमें किसमें, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड में बदलना होगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आर्मी की बात आ जाए, यानी कर्नल लिखा है, मेजर लिखा है, मेजर सेड टू मी, राइट, या फिर कर्नल सेड टू मी, ऐसी कंडीशन आ जाए तो कर्नल और मेजर कहाँ पर होते हैं, आर्मी में होते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें कर्नल मेजर यानी आर्मी को कोई ऑफिसर की बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन याद रखिएगा, आपको ऑर्डर नहीं, आपको वहां पर कमांडेड लिखना होगा, COMMANDED। तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा, कमांडेड। तो फिर समझिएगा, अगर बात आर्मी के और आदेश की जा रही है तो आर्मी का जो आदेश होता है वो क्या, कमांड कहलाता है। और अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर आ जाए, कोई टीचर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर एडवाइस का यूज करना होगा। बट इसके सेंस को समझ के चलिएगा, एडवाइस में क्या होता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, हमें उस काम को करना होता है। बट सजेशन में क्या होता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। सोचिए मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और उस डॉक्टर ने मुझसे कह दिया कि इस दवा को दिन में 2 बार लीजिए, तो क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, नहीं, उस दवा को मुझे 2 बार ही लेना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे पास आते हैं, आपने 12th पास किया है और आपने कहा आप मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बहुत सारी सलाह दे सकता हूँ, BCA कर लीजिए, BBA कर लीजिए, BA कर लीजिए, या फिर BSc कर लीजिए। तो मैंने आपसे कुछ भी कहा हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है ना। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें किसका यूज करना होगा, सजेशन का। बट फिलहाल अगर यहाँ पर डॉक्टर टीचर आ जाए तो आपको समझ के चलना होगा, क्योंकि टीचर हमें ऑर्डर भी कर सकता है और वो हमें एडवाइस भी कर सकता है। पर अगर डॉक्टर लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना होगा, एडवाइस लिखना होगा। तो इस सेट को हमें किस में बदल देना होगा, एडवाइज्ड, ADVISED।
VISED। यहाँ पर आप सीन लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा ADVISED, क्योंकि जो ADVISED होता है वो नाउन होता है और उसका मतलब क्या होता है, राय। बट अगर मैंने लिखा ADVISE, इसका मतलब होता है क्या, राय देना। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्टेड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच किस में, पास्ट में, तो इस फैक्ट को रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड या फिर एडवाइज्ड में हमें इस सेंटेंस के सेंस के अनुसार बदल देना होगा। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब चूंकि वहां पर प्लीज लिखा हुआ है, यानी 100% सेंटेंस में रिक्वेस्ट का काम किया जा रहा है, तो इस चीज के बाद मुझे क्या लिखना होगा, रिक्वेस्टेड, REQUESTED से रिक्वेस्टेड मी। और इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या लिखना होगा, टू। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम दैट, इफ, यहाँ पे WS वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दैट का यूज हमने तब किया था जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई थी। इफ या वेदर का यूज हमने तब किया था जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई थी, और WS वर्ड का हमने यूज तब किया था जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में WS वर्ड आया था। लेकिन जब भी हम बात इंपरेटिव सेंटेंस की करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, तो ऐसे कंडीशन में इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, टू का यूज करना होगा। इसके ठीक बाद जो भी हमारी वर्ब रही होगी उसको कॉपी कीजिए और इस ऑब्जेक्ट को समझिए। वो लड़की है मेरे पास आती है और मुझसे क्या कहती है, वो कि हेल्प मी प्लीज, मैं उसकी सहायता करूंगी। इस मी का जो रिलेशन है वो किससे बनेगा, इस सी से, और सी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हर। बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, से रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। और यहाँ पर जो प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आ जाते हैं इनको आपको हटा देना है, इनको तो आपको लिखना ही नहीं, बस इतना ही सेंटेंस उसका बनने वाला था। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या हो चुकी है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको देखिएगा। सी सेड टू मी, और उसके बाद उस लड़की ने क्या कह दिया, शट द डोर। शट द डोर, ऐसा इस लड़की ने मुझसे कहा। अब देखिए अगर उसने प्लीज वगैरह लगाया होता तो क्या कहलाता, रिक्वेस्ट कहलाता, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो इस रिक्वेस्टेड को हटा दीजिए और इसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, ऑर्डर लिखना होगा, ORDERED। और सेंटेंस क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, सी ऑर्डर्ड मी, और उसके बाद इस पूरी स्टेप को यहाँ पर चुपचाप आपको कॉपी कर देना है, टू शट द डोर। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैंने आपसे कहा होता द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, यानी डॉक्टर ने क्या कहा कि दवा को दिन में दो बार लीजिए, तो मैं आपसे क्या कहता, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे। एक एग्जांपल और देखिएगा, आज मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझसे कह दिया साइकिल से चले जाओ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पापा मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जा तो मैं पहले से ही रहा था, जाने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि साइकिल से चले जाओ। तो जा मैं पहले से रहा था, मैं पैदल जा रहा था और उन्होंने कह दिया साइकिल से चले जाओ। ये क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, हमारा सजेशन कहलाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर सेड टू मी गो बाय साइकिल। लेकिन अगर मैं इसको इनडायरेक्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर सजेस्टेड टू मी टू गो बाय साइकिल। एक एग्जांपल और देखिएगा और समझिएगा, द मेजर सेड टू हिज सोल्जर्स शूट देम, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, द मेजर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू शूट देम। कहने का मतलब यह था कि हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस को समझना होगा, क्या के अंदर हो क्या रहा है। अगर वहां पर रिक्वेस्ट हो रही है तो सेड को रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर हो रहा है तो सेड को ऑर्डर में, अगर बात आर्मी की हो रही है तो सेड को कमांडेड में, अगर किसी डॉक्टर की बात की जा रही है, डॉक्टर ने मुझसे कहा तो मैं क्या करूंगा, उसको एडवाइज में बदल दूंगा। लेकिन अगर मेरा बॉस होगा, जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, द प्रिंसिपल सेड टू हिज प्यून रिंग द बेल, तो प्रिंसिपल ने अपने प्यून से क्या कहा कि घंटी बजा दो। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, ऑर्डर ही तो करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिज प्यून टू रिंग द बेल।
और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मुझे क्या रखना होगा, टू का यूज करना होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। बट फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस की बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगले सीरीज में यानी अगले लेसन में हम देखेंगे कि हमें क्या करना होगा कि अगर इस सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो जाए, डोंट से हो जाए। यानी अगले सीरीज में हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत डोंट, वी वन और ऑब्जेक्ट से होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 79, जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस हुआ करता था वो इंपरेटिव सेंटेंस था, और उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई थी। बट फ्रेंड्स, आज की बात करें तो आज भी हम इंपरेटिव सेंटेंस की ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य होगा उसकी शुरुआत कहां से होगी, डोंट से होगी। थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, लेसन बहुत ईजी होगा, सारी चीजें बिल्कुल प्रीवियस लेसन की तरह ही हमें करनी होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल लेकर इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं क्या कि अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत कहां से हो जाए, डोंट से हो जाए, और इस डोंट के बाद क्या लिख के आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैड टू मी, और उसके बाद उसने क्या कहा, देखिए, डोंट डू MBA, ये आपके पास एक सेंटेंस है जो कि हमारा किसका हो गया, डायरेक्ट स्पीच का हो गया, बट इसकी शुरुआत कहां से हुई है, डोंट से हुई है। अब यहां पर देखिएगा, ही सेड टू मी डोंट डू MBA, उसने मुझसे कहा कि MBA मत करो। ये थी हमारी क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी। तो ध्यान से देखिए, उसने कहा कि MBA मत करो यानी कुछ और कर लो, यानी यहां पर वो क्या कर रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं MBA ना करने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, हमें इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को तो कॉपी करना ही है, और इसके बाद में क्या लिखना होगा, सजेस्टेड, SUGGESTED। बट फ्रेंड्स, आपको यहां पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि अगर इस सजेस्टेड के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़े तो हम सजेस्टेड के बाद का जो टू है ना उसको हटा नहीं सकते। कल हम लोगों ने क्या देखा था, अगर बात रिक्वेस्टेड की है, ऑर्डर्ड की है, एडवाइज्ड की है, या फिर कमांडेड की है, तो हम लोगों ने उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा था, वहां पर हमने टू का यूज नहीं किया था। बट अगर बात सजेस्टेड की है तो सजेस्टेड के बाद आपको टू लगाना ही पड़ेगा, वरना आपका जो वाक्य है, जो स्टेटमेंट है, वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, देखिए, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, नॉट टू, और इस नॉट टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर हमें कॉपी करना है, और फिर क्या लिख देना होगा, MBA। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, इसको हमने इनडायरेक्ट में बना लिया, और क्या लिखा मैंने, ही सजेस्टेड टू मी नॉट टू डू MBA। अब फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि प्रीवियस लेसन का होगा। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुआ करती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो सोचिए कि आपके पास सेंटेंस था क्या था कि टू MBA। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था कि इस लड़के ने मुझे MBA करने की सलाह दी थी, और इस सेंटेंस को अगर मैंने इनडायरेक्ट किया था तो मैंने क्या किया था, ही सजेस्टेड टू मी, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने क्या रखा था, टू, और बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर कॉपी की थी। लेकिन आज की बात करें तो आज क्या हो रहा है कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई है, डोंट से हुई है, और ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया है, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगा दिया, नॉट का यूज किया। कहने का मतलब, हमें वही सारी चीजें करनी है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में की थी, बट अंतर इतना कि आज हमारे सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो रही है, तो इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें नॉट टू का यूज करना होगा। फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं और समझते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है क्या कि ही सेड टू मी, और उसके बाद उसने कह दिया, डोंट सिट हियर प्लीज, PLEASE। तो ध्यान से देखिए, अगर प्लीज लिख के आ गया तो सेंटेंस में क्या, रिक्वेस्ट किया जा रहा है यानी आग्रह की जा रही है, और ऐसी कंडीशन में अगर इसे हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट तो लिखना ही था, और उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पर, रिक्वेस्टेड, RequestedE, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पर क्या करना होगा, देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा, नॉट,
फिर क्या लिखना होगा यहाँ पर टू, उसके बाद हमें रखनी होगी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हियर का क्या हो जाएगा देयर टी एच ई आर ई, प्लीज को हमें हटा देना है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर रिक्वेस्ट करने का काम हो रहा था, तो सेट टू को मैंने किस में रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, और रिक्वेस्टेड के साथ टू का यूज नहीं किया जाता, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू सिट देयर, और ये जो हियर लिखा था तो हियर को हम लोग क्या करेंगे देयर करेंगे, और ये बात हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पहले कभी पढ़ रखी है। इसमें फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और लिखते हैं और समझते हैं। सोचिए कि अगर मैंने आपसे कहा होता माय बॉस सेड टू मी डोंट गो आउट, तो मेरे बॉस ने मुझसे क्या कहा कि बाहर मत जाओ। अब अगर मेरा बॉस है तो वो क्या करेगा, मुझे ऑर्डर करेगा, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा यहां पर देखिएगा, माय बॉस ऑर्डर्ड ओ आर डी ई आर ई डी, माय बॉस ऑर्डर्ड मी। अब फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए नॉट टू का यूज करना है, बाकी हमें यहाँ पर गो आउट ही लिखना होगा और कुछ नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, माय बॉस ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट। अब फ्रेंड्स एक सेंटेंस मैं आपके सामने और लिखता हूँ, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि मैंने आपसे कहा होता ही सेड टू मी डोंट स्मोक Here. He said to me, don't smoke here. सोचिए कि मैं किसी ट्रेन में हूँ और मैंने वहां पर सिगरेट निकाल ली, तो हमारे बगल वाला जो पैसेंजर था उसने मुझसे क्या कह दिया कि don't smoke here. और जब उसने बोला था don't smoke here, तो इस सेंटेंस में उसने प्लीज या फिर kindly जैसे शब्द का यूज तो किया नहीं, ऐसी कंडीशन में ये रिक्वेस्ट तो थी नहीं, और वो मुझे ऑर्डर दे ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा बॉस नहीं है, मैं उसके नीचे कोई काम नहीं करता हूँ, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा उसने मुझे ना तो ऑर्डर दिया है और ना ही उसने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की है, बस उसने मुझे उस काम को करने से मना कर दिया। और ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको हम जो है फॉरबिड से भी बना सकते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है क्या, मना करना, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो क्या होती है फॉरबिड। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्या करना पड़ेगा, मुझे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट तो कॉपी करना ही होगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा फॉरबिड एफ ओ आर बी ए डी ई, ये फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है क्या मना करना। तो मैंने क्या लिखा ही फॉरबिड मी, उसने मुझे मना कर दिया। अच्छा किस काम को करने से मना कर दिया, धूम्रपान करने से। अब ध्यान से समझिएगा कि इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मैं नॉट का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बात फॉरवर्ड की है तो फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना, यानी फॉरवर्ड अगर मैंने यूज किया तो ऐसी कंडीशन में मैं नॉट का यूज नहीं कर सकता, और मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर टू का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं स्मोक, और हियर का क्या हो जाएगा देयर। तो हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो क्या बनेगी, ही फॉरवर्ड मी टू स्मोक देयर। इसमें फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं, इसको ध्यान से समझिए। अगर मैंने आपसे कहा होता माय फादर सेड टू मी और उसके बाद उन्होंने कह के दिया कि डोंट वॉच टीवी, क्या कहा उन्हें डोंट वॉच टीवी। अब जो पापा है वो दोनों काम कर सकते हैं, वो मना भी कर सकते हैं और वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में देखिएगा मुझे क्या करना होगा, अगर मैंने इसको फॉरवर्ड से बनाया तो मैं क्या बोलूंगा कि माय फादर फॉरवर्ड मी टू वॉच टेलीविजन, माय फादर फॉरवर्ड मी टू वॉच टेलीविजन। लेकिन अगर इसको मैं ऑर्डर्ड से बनाऊं तो मैं क्या करूंगा ध्यान से देखिएगा, माय फादर ऑर्डर्ड मी ओ आर बी ई आर ई डी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, नॉट टू का यूज करना होगा। दोनों ही तरीके ठीक थे, आप अगर फॉरवर्ड से बना रहे हैं तो आपको नॉट का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया तो फिर आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा, और सेंटेंस क्या बनेगा, माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वॉच टेलीविजन। एक सेंटेंस फ्रेंड्स और सुनिएगा, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने कह दिया डोंट टेक ऑयली फूड,
तो उस डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी। अब इसको मैं अगर डायरेक्ट बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट टेक ऑयली फूड। लेकिन अगर इसे मैं इनडायरेक्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेक ऑयली फूड। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 80, जहां पर नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को जो पार्ट हुआ करता था वो हमारा क्या होता था, इंपरेटिव सेंटेंस होता था। यानी इसकी शुरुआत कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई थी और कभी हम लोगों ने देखा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, डोंट से हुई थी। बट फ्रेंड्स, आज की बात करें तो आज हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, डू से। आप ध्यान से देखिए कि तीन एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं और तीनों की शुरुआत कहां से हुई है, डू से। इस डू के ठीक बाद यहां पर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको आपको लिखना होगा। बट फ्रेंड्स, क्या कभी आपने माइंड किया कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत डू से होती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उस काम को आप निश्चित रूप से कीजिए यानी जरूर कीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि टू रीड द रामायण, तो हिंदी क्या होगी कि रामायण जरूर पढ़िए। अगर मैं आपसे कहता टू कंप्लीट योर वर्क, तो हिंदी क्या होगी कि अपना काम जरूर पूरा कीजिए। अगर मैं आपसे कहता टू वॉच दिस मूवी, तो हिंदी क्या होगी कि इस मूवी को जरूर देखो। तो जैसे ही डू का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसका मतलब होता है इस काम को जरूर कीजिए, निश्चित रूप से इसको करिए। अब उसी में से कुछ एग्जांपल है जिसको मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है, इसी को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमें वही काम करना है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में देखा था, हमारे सेंटेंस के सेंस को समझना होगा कि आखिर अंदर हो क्या रहे। अगर बात रिक्वेस्ट की जा रही है तो सेट को हमें रिक्वेस्टेड में, अगर बात ऑर्डर की जा रही है तो सेट को हमें ऑर्डर्ड में, अगर बात सजेशन की जा रही है तो सेट को हमें सजेस्टेड में चेंज कर देना होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल जो मैंने लिखा है उसको बना लेते हैं और आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच, ये तीनों सेंटेंस हमारे डायरेक्ट स्पीच के हैं। अगर मैं इसको चेंज करता तो कैसे करता वो देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, डू रीड द गीता, डू रीड द गीता। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि वो सजेशन कह रहा है या फिर वो इस काम को करने के लिए हमसे पूछ रहे हैं। तो आपको माइंड करना होगा, अपने सेंस के अनुसार आप जो भी लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ही, और उसके बाद इस सेट टू को किसमें बदल दिया हमने, आज में। फिर क्या रखा मैंने यहाँ पर, मी, और इस मी के बाद हमें देखिएगा इस डू को नहीं लिखना होगा, हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए टू का ही यूज करना है। और उसके बाद क्या लिखना होगा, रीड द गीता। तो अगर मैंने आपसे कहा ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता, या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता था ही सजेस्टेड टू मी टू रीड द गीता, और दोनों ही सेंटेंस हमारे सही माने जाएंगे। चाहे आप वहां पर आज लिख दीजिए और चाहे सजेस्टेड लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने और लिख के रखे हुए हैं, इनको भी आराम से समझ लेते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, सी सेड टू हिम डू गो बाय बाइक। अब ऐसी कंडीशन में देखिएगा कि ये लड़की इस लड़के से बात कर रही है और उस लड़के से कह रही है कि बाइक से जरूर जाओ, यानी वो उस लड़के को क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर ले, इसके बाद इस सेट टू को किस में, सजेस्टेड में बदल देना होगा, तो एस यू डबल जी ई एस टी ई डी। अब यहां पर माइंड कीजिए कि सजेस्टेड के बाद का जो टू होता है वो नहीं हटाया जाता, तो अगर सजेस्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो सजेस्टेड और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें टू को लगाना ही पड़ेगा। फिर यहां पर मुझे क्या लिख देना होगा, हिम, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या रखा मैंने, टू, डू को हटा देना है और क्या लिख देना है, गो बाय बाइक। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारा सेंटेंस क्या था, कि सी सेड टू हिम डू गो बाय बाइक, और इसको मैंने इनडायरेक्ट किया तो क्या बना दिया, सी सजेस्टेड टू हिम टू गो बाय बाइक। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और है, माय बॉस सेड टू मी टू वॉच दिस सिचुएशन। तो हमारा जो बॉस है वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे ऑर्डर ही करेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, माय बॉस ऑर्डर्ड मी, ओ आर डी ई आर ई डी, माय बॉस ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा, टू लिखा,
और उसके बाद वॉच द सिचुएशन। तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने यहां पर क्या लिखा है, माई बॉस ऑर्डर्ड मी टू वॉच द सिचुएशन। कहने का मतलब यह था कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर डोंट से हो रही थी तो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या लिखा था, नॉट टू का यूज किया था। लेकिन अगर उसके सेंटेंस की शुरुआत डू से ही हो जाए तब भी हमें इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए किसका यूज करना होगा, टू का ही यूज करना होगा। तो हमें अभी भी यही समझना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ऑर्डर किया जा रहा है तो सेट को हमें ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेट को रिक्वेस्टेड में, अगर सजेशन दिया जा रहा है तो सेट को हमें सजेस्टेड में बदल देना होगा। बाकी सारी प्रोसेस जो थी वो प्रीवियस लेसन की तरह ही थी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या, लेसन 81, जहां पर हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेंटेंस होगा ना उसकी शुरुआत कहां से होगी, लेट से होगी। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा और कौन से रूल हमें फॉलो करने होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सर लेट मी प्ले क्रिकेट, तो आप ध्यान से देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है ना इसकी शुरुआत कहां से होगी, लेट से होगी। अभी लेट क्या होता है, हम लोगों ने पहले कभी लेट को पढ़ के रखा है। लेट के ठीक बाद यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसी कंडीशन का कोई सेंटेंस आ रहा है जिसकी शुरुआत कहां से हो, लेट से हो, तो हमें क्या करना होगा, वही सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो ये कि यहाँ पर मैंने किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर एड नहीं किया है। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या होगा इसको समझिए। अगर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से इच्छा का बोध हो रहा है, जैसे अगर ये लड़की है और ये कहती है कि लेट मी प्ले क्रिकेट, तो वो क्या कह रही है कि मुझे क्रिकेट खेलने दो या फिर मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए। अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट मी गो आउट, तो मैंने आपसे क्या कहा, अपनी इच्छा ही तो जाहिर की है ना कि मुझे बाहर जाने दीजिए। अगर आपने मुझसे कहा होता कि लेट मी वॉच मूवी, तो इसका मतलब क्या है कि आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे मूवी देखने दो। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था, हम लोगों ने अपनी इच्छा की ही बात की थी। और ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि इस सेट को विश्ड में बदल देना है। से का मतलब होता है क्या, कहना, और विश्ड का मतलब होता है क्या, इच्छा करना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सेट लिखा था ना, इस सेट को हमें विश्ड में बदल देना होगा, WISHED, सभी जगह आपको ऐसा ही करना होगा। तो ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट बदलते हैं और कैसे बदलेंगे वो ध्यान से देखते रहेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा। अब इस सेट को हमें क्या कर देना है, विज्ड में बदल देना है, WISHED, सी विज्ड। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो रही है और अगर उससे इच्छा का बोध हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सेट को विज्ड में बदलना है और इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा। इसके ठीक बाद हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट को लिखना होगा। देखिए लड़की है और ये कहती है कि लेट मी प्ले क्रिकेट, तो इस मी का मतलब किससे हो गया, इस सी से। भाई क्रिकेट कौन खेलेगा, वो लड़की ही खेलेगी ना। तो अब आगे का जो सेंटेंस है ना वो किससे बनाया जाएगा उसको देखते जाइएगा। हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर सी रखना होगा और आगे का जो सेंटेंस है उसको शुड से आपको बनाना है। क्या आपको याद है कभी हम लोगों ने शुड पढ़ा था और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो लेट से स्टार्ट होने वाला अगर सेंटेंस जिससे इच्छा का बोध हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सेट को हमें विज्ड में बदलना होगा, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए दैट का यूज करना होगा, दैट के ठीक बाद इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन बनाकर इसका सब्जेक्ट लिख देना होगा और आगे का जो सेंटेंस होगा वो शुड से बनाया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा देखते जाएगा, शी शुड प्ले क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, ये हमारी क्या थी, डायरेक्ट स्पीच।
और ये हमारी क्या बन चुकी है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको भी आप ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैट और उसके बाद उसने क्या कहा, लेट मी गो आउट, तो उसने क्या किया है, बाहर जाने की अपनी इच्छा जाहिर की है और उसने कहा क्या कि लेट मी गो और मुझे बाहर जाने दो। ये होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ही लिखना होगा, सैड को विस्ड में बदल देना है, डब्ल्यू आई एस एच ई डी, ही विस्ड। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या रखा हम लोगों ने, दैट। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस नी का रिलेशन बनाना होगा, तो नी का रिलेशन किससे बन गया, ही से, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड, फिर क्या आ जाएगा बताइए, गो, और गो के बाद क्या, आउट। तो ये थी डायरेक्ट स्पीच, ये बनी है हमारी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा मैंने, ही विस्ड दैट, ही शुड गो आउट। अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता यू शैड और फिर आपने कह दिया कि लेट मी सिंग अ सॉन्ग, ये आपने कुछ इस प्रकार से बोला कि लेट मी सिंग अ सॉन्ग, तो गाना कौन गाएगा, गाना तो आप गाओगे ना, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, देखिएगा सबसे पहले क्या रखा हमने यहां पर, यू लिखा, उसके बाद क्या आएगा, विच आएगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, दैट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इस मी का मतलब किससे हो गया, यू से, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यू लिखना होगा, फिर क्या आएगा, शुड, और शुड के बाद क्या आ जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, एस आई एन जी, सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार सारी चीजों को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर उसकी शुरुआत लेट से हो रही है और इसमें इच्छा का बोध किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लेना है, इस सेट को वेस्ट में बदल देना है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा, इसके ठीक बाद सब्जेक्ट को रखिए और आगे का वाक्य किससे, शुड से बना लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत तो लेट से होगी लेकिन वहां पर इच्छा नहीं, एक प्रस्ताव या फिर एक सुझाव का बोध होगा और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं क्या, नरेशन की सीरीज का अगला पार्ट, जहां पर हमें ये समझना होगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत लेट से हो जाए और एक सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा। फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत अगर लेट से हो रही थी और उससे इच्छा का बोध हो रहा था, तो हम लोगों ने सेट को विस्ड में बदल दिया था, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने दैट का यूज किया था, इसके बाद सब्जेक्ट को रखकर आगे का जो वाक्य था उसको हम लोगों ने शुड से बनाया था। लेकिन आज की बात मैं आपसे करूं तो आज हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, लेट से या फिर लेटर से होगी, और ऐसी कंडीशन में अगर एक सुझाव या प्रस्ताव का बोध होगा तो हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत कैसे होगी। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, हमारे सेंटेंस की शुरुआत या तो लेट से होगी या फिर किससे होगी, लेटर्स, लेट अस, इस तरीके से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी और यहाँ पर क्या होगा, एक सुझाव या प्रस्ताव का बोध होगा। अब करना क्या होगा वो देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा सी सैड टू मी और उसके बाद उसने क्या कहा, देखिएगा, लेट अस टेक टी, ये लड़की है जो मेरे पास आती है और क्या कहती है कि लेट अस टेक टी, चलिए चाय पीते हैं, और इसने मेरे सामने क्या रखा है, एक प्रपोजल ही तो रखा है। अब अगर इसको मैं इनडायरेक्ट करूंगा तो मैं आपसे कैसे बोलूंगा उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम करना होगा क्या, हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करने का, वो मैंने कर लिया। अब इस सेट को मुझे क्या करना होगा, प्रपोज्ड में बदलना होगा, पी आर ओ पी ओ एस ई डी, और ध्यान में एक बात को बैठा के रखिएगा कि सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद कभी भी टू को नहीं हटाया जाएगा अगर उसके ठीक बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो हमें यहां पर क्या, टू को लिखना होगा,
फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया हमने, इसके बाद इस इनवर्टेड कॉमा को तोड़ा हमने, तोड़ने के लिए क्या लगा दिया दैट। अब आगे का सेंटेंस कैसे बनेगा उसको ध्यान देखिएगा। हमारी ग्रामर कहती है कि दैट के ठीक बाद सब्जेक्ट के रूप में हम या तो बी लगा सकते हैं या फिर हम किसका यूज कर सकते हैं, दे का यूज कर सकते हैं, और दोनों में से आप कुछ भी एक लिख दोगे बिना सोचे समझे आपका दोनों ही वाक्य ठीक हो जाएगा, चाहे आप बी लगा दीजिए और चाहे आप दे लगा दीजिए। बट अगर सेंस की बात करें तो उसको समझिएगा कि अगर यहाँ पर मी लिखा हुआ है, इस लड़की ने मुझसे कहा कि चलो चाय पीते हैं, तो चाय कौन कौन पिएगा, वो पिएगी और मैं, तो मैं और वो दोनों मिलकर क्या बन गए, हम बन गए, और हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बी। तो अगर यहाँ पर मी लिखा है तो आप सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या लिखिए बी, लेकिन अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता तो आप क्या लगा देते दी। बट फिर से मैं कहना चाहूंगा ग्रामर कहती है कि दोनों में से चाहे जो भी लगा दीजिए आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसी तरीके से इस सेट को चाहे प्रपोज्ड में बदल दीजिए और चाहे सजेस्टिव में बदल दीजिए, हमारी ग्रामर कहती है कि हमारा सेंटेंस सही ही माना जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बी, अब इसके ठीक बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा शुड। सब्जेक्ट के ठीक बाद को तो सेंटेंस का नाम वो शुड से ही बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद शुड के बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या थी टी, और फिर यहाँ पर ऐड कर लीजिए क्या टी, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा सी प्रपोज टू मी दैट वी शुड टेक टी। अगर मैं यहाँ पर सजेस्टेड लिख देता, यहाँ पर मैं दे लिख देता, तो भी हमारा सेंटेंस ठीक ही माना जाता। बट सेंस को पकड़ के चलिएगा कि अगर यहाँ पर मी आ जाए तो बी लगाइए, और मी ना हो तो क्या लगाइए दे का यूज कीजिए। एक सेंटेंस और देखिएगा, अगर मैंने यहीं पर सेंटेंस को लिखा होता और मैंने आपसे कहा होता कि सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम, और उसके बाद उसने कहा कि लेट अस टेक टी। अब बात कौन कर रहा है, ये लड़की कर रही है, किससे कर रही है, उस लड़के से कर रही है, तो चाय कौन पिएगा, वो लड़का और वो लड़की, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे वे, और इस वे के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता दे का यूज करना होता। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, सी प्रपोज्ड टू और इस मी की जगह मुझे क्या लिखना होगा हिम लिखना होगा, सी प्रपोज टू हिम दैट दे शुड टेक टी। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैड टू हर, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब इस लड़के ने इस लड़की से बात की और क्या कहा वो देखिएगा, वो कहते हैं क्या कि लेट अस हेल्प द पुअर। ये लड़का इस लड़की से क्या कहता है कि चलो गरीबों की मदद करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में मदद करना यानी क्या, एक सजेशन की बात की जा रही, सुझाव दे रहा है वो कि चलो गरीबों की सहायता कर दें। अब इसको बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लिया। अब इस सेट को मुझे बदलना होगा किसमें, सजेस्टेड में एस यू डबल जी ई एस टी ई डी, फिर टू तो हमें लिखना ही था, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करना है, इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए क्या रखना होगा दैट लिखना होगा। अब सहायता कौन करेगा, ये करेगा और ये लड़की, यानी वे करेंगे, और वे करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा दे, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर शुड हेल्प द पुअर। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, ही सजेस्टेड टू हर दैट दे शुड हेल्प द पुअर। ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच और ये हमारी क्या होगी इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल फ्रेंड्स और लेते हैं जहां पर सेंटेंस की शुरुआत लेट्स से करते हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट न होता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सैड लेट्स टेक टी, सी सैड लेट्स टेक टी, तो ऐसी कंडीशन में मुझे यहाँ पर क्या लिखना होता सी प्रपोज इस टू हिम को हटा दीजिए। अब टू नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहे, बाकी सारी चीजें देखो ऐसी बनने वाली है, सी प्रपोज दैट दे शुड टेक टी, या फिर यहाँ पर मगर बी भी लगा देते इस दैट के बाद तो भी हमारा सेंटेंस सही होता। एक बार फिर से देखिएगा मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, दैट को मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब यहाँ पर मैं चाहे बी लिख दूं और चाहे दे लिख दूं, दोनों ही कंडीशन हमारा जो सेंटेंस होगा ना वो सही होगा। तो सेंटेंस क्या बना, सी प्रपोज दैट वी शुड टेक टी या फिर दे शुड टेक टी। आई होप कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट।